हेलो दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों आपका कक्षा 8वीं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2023-24 विषय हिंदी का आपका 100% रियल पेपर जो है लीक हो चुका है, अभी अभी हमारे पास आया है। तो यदि आप 60 में से 60 अंक लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि बिल्कुल 100% रियल पेपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया, समय आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा, आपका पेपर 60 अंक का आएगा और यहाँ पर सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। दूसरा, सभी प्रश्नों को उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, अर्थात आपको एक प्रश्न पत्र अलग मिलेगा जिसमें आपको केवल प्रश्न होंगे और एक आपको उत्तर पुस्तिका अलग मिलेगी जिसमें आपको केवल उत्तर लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी, इसमें केवल आपको उत्तर लिखना है। यहाँ पर आप कक्षा का नाम, यहाँ पर विषय लिखना है, यहाँ पर दिनांक लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नाम, समग्र आईडी, माता का नाम और पिता का नाम। इस प्रकार से आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी और इस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तर पुस्तिका में पहले का उत्तर, जो भी पहले का उत्तर होगा, इस जो कोष्टक दिया गया इस डिब्बा में आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का, तीसरे प्रश्न का, चौथे का, यहाँ पर पाँचवें प्रश्न का। इसके बाद जो है इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर लिखेंगे, 7 का लिखेंगे, 8 का, 9 का। इस प्रकार से आप प्रश्न 1 से लेकर 26 तक के यहाँ पर आप इस उत्तर पुस्तिका में केवल आप उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको अलग से एक कॉपी मिलेगी, उसमें केवल आपको क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। अब चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार से आया है, बिल्कुल 100% रियल पेपर। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बर्दे कविता में किस शब्द का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले का जो उत्तर होगा नव, इसका आंसर होगा डी नंबर का जो विकल्प है, पहले का उत्तर होगा, आपको उत्तर में क्या लिखना है, नव। दूसरा है जो है श्रीराम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे, तो क्यों नहीं लड़े थे, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त होने के कारण। तो यहाँ पर बी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा, उसे प्राप्त वरदान के कारण, इस प्रकार से उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है मोर है, तो मोर क्या है, एक पक्षी है, सी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, अर्धविराम का चिन्ह है, तो अर्धविराम का चिन्ह जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इस प्रकार से ऊपर एक बिंदी दी गई है और नीचे इस प्रकार से कॉमा दिया गया, तो यह जो है अर्धविराम का चिन्ह होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है कि डॉक्टर चंद्रा की जो सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो किसका था, बी नंबर का विकल्प श्रीमती सुब्रमण्यम का, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो 1 से लेकर 5 तक आपसे प्रश्न 5 अंक में जो है विकल्प पूछे गए हैं, इसके बाद 5 अंक में आपसे जो है खालिस्तान पूछे गए हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक निर्देश रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, 6वां खालिस्तान है, वर्दे खालिस्तान वर्दे। तो यहाँ पर उत्तर में पहले खालिस्तान में आपको क्या लिखना है, इस प्रकार से आपको उत्तर में पहले खालिस्तान में क्या लिखना है, बीड़ा बांधनी, इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे बीड़ा बांधनी। दूसरा खालिस्तान है यहाँ पर 7वां कि मध्य प्रदेश खालिस्तान की जीवन शैली के रूप में दिखाई देता है, तो यहाँ पर आदिवासी, 7वें खालिस्तान अर्थात दूसरे खालिस्तान में आपको उत्तर में क्या लिखना है, आदिवासी। तो फटाफट इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद 8वां, भारतीय मुद्रा का नाम है, तो जो भारतीय मुद्रा होती है उसका जो नाम होता है वह रुपया होता है, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे रुपया। 9वां है, भारत एक खोज खालिस्तान द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस प्रकार से आप लिखेंगे पंडित जवाहर लाल नेहरू, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है 9वें खालिस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद जो है 10वां खालिस्तान है, दया करने वाले व्यक्ति को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसे जो है हम दयालु कहते हैं, क्या कहते हैं, दयालु, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न 6 से 10 तक उत्तर हो जाएंगे, यह आपके 5 अंक में पूछे गए हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 11 से। निर्देश दिया गया है कि
प्रश्नों के जो हैं उत्तर एक या दो वाक्य में लिखे। प्रत्येक प्रश्न के लिए दो अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 है, वर्दे कविता में जो है कवि हर वस्तु को किस रूप में देखता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, चारू चंद्र की चंचल किरण पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 13 में जो चारू चंद्र की चंचल किरण है, इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, निरर शब्द में कौन सी संज्ञा है। इस पंक्ति के चार उदाहरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 है, योग किसे कहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 15 तक के उत्तर देख लेते हैं। और यहाँ पर 13वें का उत्तर अनुप्रास अलंकार होगा। इस प्रकार से आप इनका फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल 100% रियल पेपर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और वार्षिक पेपर भी। तो यहाँ पर यह प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में यहाँ पर जो पंक्तियाँ पूछी गई हैं इस प्रकार से कि वर्दे कविता में संसार को प्रकाशित करने वाले भाव को यहाँ पर व्यक्त करने वाली पंक्ति लिखिए। तो इस प्रकार से आप पंक्ति लिखेंगे, इस प्रकार से पंक्तियाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर आप संदर्भ लिखेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रसंग लिखेंगे आप, तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इस प्रकार से व्याख्या हो जाएगी। तो आपको पंक्तियाँ लिखना है, संदर्भ, प्रसंग और इस प्रकार से व्याख्या लिखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, आगे का क्वेश्चन था कि कवि प्रकृति की हर वस्तु को नया रूप में क्यों देखना चाह रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर होगा इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को रोककर भी इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि आपका आज पेपर है। इसके बाद योग क्या है, जो आगे का क्वेश्चन पूछा गया था, योग किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 और प्रश्न क्रमांक 13 का जो उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न क्रमांक 15, योग किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक यहां पर इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा कि योग क्या होता है। इस प्रकार से आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यह प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको प्रश्न 1 से लेकर 16 तक अच्छे से प्रश्नों को तैयार करना है। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रश्न 17 से लेकर जो आपके क्वेश्चन 26 तक पूछे गए हैं, जल्द से जल्द सेकंड पार्ट उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।